गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के टॉपिक सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर के दौरान फिलिप एप्लीकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन। एडिंग टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्ट टू द माइन्यू एंड डिसरिगार्डिंग द कैरी इफ एनी अचीव्स सब्ट्रैक्शन। द प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग 6 डिफरेंट केसेस। तो अब इन 6 विभिन्न केसेस के माध्यम से हम सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। पहला, बोथ माइन्यू एंड सब्ट्रैक्ट आर पॉजिटिव। द सब्ट्रैक्ट इज द स्मॉलर ऑफ द टू। जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं और जिसको घटाना है वो छोटा है जिसमें से घटाना है को लेकर। पहला केस है। दूसरा केस है, बोथ आर पॉजिटिव बट द सब्ट्रैक्ट इज द लार्जर ऑफ टू। जिसको घटाना है, जिसमें से घटाना है, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन जिसको घटाना है वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आंसर ऋणात्मक आएगा। द माइन्यू इज पॉजिटिव, द सब्ट्रैक्ट इज नेगेटिव एंड स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जिसमें से घटाना है वह पॉजिटिव है, जिसको घटाना है वो नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड में छोटा है। चौथा केस, जिसमें से घटाना है वह संख्या पॉजिटिव है, जिसको घटाना है वो नेगेटिव है लेकिन वह मैग्नीट्यूड में बड़ी है। पांचवा केस, जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है दोनों नेगेटिव हैं लेकिन जिसको जिसमें से घटाना है वह छोटा है। छठा केस, जिसको जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है दोनों नेगेटिव हैं बट जिसमें से घटाना है वो दोनों में से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इन विभिन्न केसेस को अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे सामने पहला केस है जिसके अंतर्गत प्लस 14 14 को प्लस 24 24 में से घटाना है। द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस 24। देखिए, 8 बिट का इस्तेमाल करके हमने प्लस 24 को रिप्रेजेंट किया है और हमने पूर्ववर्ती लेक्चर्स में देखा था कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके सभी रिप्रेजेंटेशन साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। इसी तरीके से हमने प्लस 14 का भी टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा। नाउ द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्ट। अब क्या है कि सबसे पहले तो मैंने प्लस 14 को टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखा है लेकिन इस टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने अब लिया तो वो कुछ इस प्रकार से आया है। किसी भी रिप्रेजेंटेशन का टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसमें प्लस 1 कर देते हैं। सो देयरफॉर अब आप देखिए, प्लस 24 माइनस प्लस 14 इज गिवन बाय लाइक दिस विद द
फाइनल कैरी डिसरिगार्डेड। और हम जब इसको देखते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ जो आंसर आया है इज प्लस 10 विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें 24 में से 14 को घटाना था यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। हमने क्या किया है देखिए, प्लस 24 को टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा और जो 14 था प्लस 14 जो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट रूप उसको लिखा और उस फॉर्म का हमने अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिया जो इटसेल्फ जो आता है वो नेगेटिव पॉइंट संख्या आती, हमने उसको उनको दोनों को जोड़ दिया तो आपको आंसर मिल गया है। नाउ लेट्स डिस्कस केस नंबर 2। अब हमें 24 को घटाना है 14 में से। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब 14 में से 24 को घटाएंगे तो डेसिमल में हमारा नंबर आएगा -10। अब जरा देखते हैं क्या किया है हमने, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस 14 हम जानते हैं ये हमने लिखा यूजिंग 8 बिट। ठीक इसी प्रकार से द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस 24 ये वापस अभी हमने ऊपर के एग्जाम्पल में भी देखा था। नाउ द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड दैट इज प्लस 24 इज, तो जो ये संख्या लिखी है जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है इसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसमें प्लस 1 करेंगे और अल्टीमेटली आप देखिए क्या किया हमने, देयरफॉर प्लस 14 माइनस प्लस 24 इज गिवन बाय, दोनों इनको जोड़ दिया, एक तो ये प्लस 14 वाला और जो सबट्रेंड का हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था दोनों को जोड़ दिया। जो आंसर आया है जब हमने उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिया विच इज ऑफ कोर्स इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ -10 विच इज द करेक्ट आंसर। जो संख्या जो आंसर हमारे पास आया वो -10 का टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा केस भी डिस्कस हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारा केस नंबर 3। लेट्स सब्ट्रैक्ट -14 फ्रॉम +24। सो स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल फॉर्म में बात करें तो हमें मालूम है जब 24 में से हम -14 घटाएंगे तो आंसर हमारा +38 आएगा। सो द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +24 दैट इज जैसा हमने ऊपर सीखा दैट इज माइन्यूट, यानी कि जिसमें से घटाना है संख्या को। द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -14 -14 को जब टूस कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से लिखा है, द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड, अब जो ये नंबर था इसका हमने पुनः टूस कॉम्प्लीमेंट लिया है। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसमें वन जोड़ देंगे। सो जो डायरेक्ट अब हमें जब एक प्रोसेस करना है +24 -14, तो आप देखिए जो +24 का रिप्रेजेंटेशन था उस पर हमने ये थर्ड वाले को डायरेक्ट ऐड कर दिया है, दैट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज +38 विच इज द करेक्ट आंसर। अब हम हमारा चौथा केस देखते हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट -24 फ्रॉम +14। अब हमें 14 में से -24 घटाना है जो कि हम जानते हैं डेसिमल में पुनः हमारा जो आंसर है वो +38 आएगा। द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा +14 का, ओके फिर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखा -24 और जो -24 का जो टूस रिप्रेजेंटेशन है इसका एक बार पुनः हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया है जो किया है ये, देयरफॉर जो हमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड है कि +14 में से आपको माइनस करना है -24, हमने दोनों को ऐड किया विच इज अगेन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ +38 विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम हैं हमारे पांचवे केस में जहाँ पे हमें -14 को घटाना है -24। तो अगर हम जानते हैं जब -24 में से हम -14 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर का -10 आएगा।
तो सबसे पहले हमने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -24 दैट इज दिस वन, उसके बाद हमने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखा है -14 का। अब जिसको घटाना है उसका पुनः हमने एक बार और टूज कॉम्प्लीमेंट लिया और दोनों को जोड़ दिया, द डेसिमल जो आंसर आया है दैट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -10 विच इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा छठा और लास्ट केस है, लेट अस सबट्रैक्ट -24 फ्रॉम -14। तो जब -14 में से हम जब -24 घटाएंगे तो आंसर हमारे प्लस का 10 आएगा। लेकिन जो हमारा तय प्रोसेस है, सबसे पहले द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -14 दिस वन दैट इज माइन्यूट, द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -24 ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है। अब जिसको घटाना होता है उसका एक बार पुनः टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और दोनों को हम जोड़ देंगे विद द फाइनल कैरी, दिस रिगार्डेड दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ +10 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म विच इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स इट मे बी मैंशनड दैट इन टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमैटिक द आंसर इज ऑल्सो इन टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन only with the MSB indicating the sign and the remaining bits indicating the magnitude. In two's complement notation, positive magnitudes are represented in the same way as the straight binary numbers, while the negative magnitudes are represented as the two's complement of their straight binary counterparts. A zero in the MSB position indicates a positive sign, while a one in the MSB position indicates a negative sign. As a summary, the different steps to be followed to subtraction in two's complement arithmetic are summarized as follows. Number first, represent the minute and subtrend in two's complement form. जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है उसको two's complement form में लिखिए. Find the two's complement of the subtrend और जिसको घटाना है उसका पुनः एक बार two's complement लीजिए. Add the two's complement of the subtrend to the minute. दोनों को जोड़ दीजिए. Disregard the final carry if any. The result in two's complement form. Two's complement notation can be used to perform subtraction when the expected result of subtraction lies in the range from -2^(n-1) to +2^(n-1) to -1, n being the number of bits used to represent the numbers. So students, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।